हेलो दोस्तों, मैं हूं देवसागर और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एक नई रोशनी। दोस्तों, इजी क्लिक्स में अगर आपका 100 रुपीज़ प्लस हो चुका है तो आप अपना विड्रॉल रिक्वेस्ट आज लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर एवरी सैटरडे को आप अपना पेमेंट रिक्वेस्ट लगाएंगे और एवरी मंडे को आपके बैंक अकाउंट्स या पेटीएम में जो भी आप चूज़ करेंगे उसमें आपको वो पेमेंट मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो विड्रॉल लगेगा वो 100 रुपीज़ मिनिमम का लगेगा और उसके बाद 100 के मल्टीप्लाई में ही लगेगा। ठीक है, 100 के मल्टीप्लाई में लगेगा, 100 का लगेगा, फिर 200, 300, 400 इस तरीके से आप लगा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 150 रुपये हो गए तो आप 150 रुपये का लगा दें, ऐसा नहीं है। आपको 150 रुपये भी हो जाते हैं तब भी आप यहां पर 100 रुपीज़ का ही पे आउट ले पाएंगे। तो पे आउट रिक्वेस्ट लगाने से पहले आपको अपनी KYC फिल करनी होगी। तो 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप क्लिक करना है और ये प्रोफाइल का ऑप्शन आ गया, इस प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी पूरी प्रोफाइल यहां पर अपडेट करनी है। तो कोई भी अपनी फ़ोटो खींचकर यहां पर अपना फ़ोटो आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर, इसके बाद फेसबुक का URL नंबर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको आपका आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की डिटेल भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं अपना एड्रेस फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर Address 2 में भी अगर आपका Address 2 है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट को डालेंगे और पिन कोड नंबर डालेंगे यहाँ पर अपना, अपने शहर का। और इसके बाद आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया लिखी हुई आती है। इसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, और ये करने के बाद आपको अपने पे आउट सेटिंग में जाना है, जो यहाँ पर पे आउट सेटिंग दी हुई है इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी एक ID प्रूफ अपलोड करनी है। ID प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी आप यहां पर डाल सकते हैं जो कि आपका फ़ोटो लगा हुआ होना चाहिए। और अगर आप आधार कार्ड की यहां पर अपनी फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आधार कार्ड का आपका फर्स्ट पेज ही यहां पर अपलोड करेंगे। ठीक है, सेकंड पेज नहीं, फर्स्ट पेज आपको अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है बैंक ट्रांसफ़र पर, जो भी ऑप्शन आप चाहते हैं। अगर आप बैंक में चाहते हैं तो बैंक सेलेक्ट करेंगे, पेटीएम पर चाहते हैं तो पेटीएम, गूगल पे पर चाहते हैं तो इस पर, फ़ोनपे, यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जिस भी ऑप्शन पर आपको पेमेंट चाहिए वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर बैंक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक की पूरी डिटेल डालनी है, जैसे कि आपका किस मतलब जो अकाउंट है वो किस नाम से है, वो यहाँ पर आप अपना अपना नाम देंगे, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे और इसके बाद आपके बैंक जो बैंक का नाम है वो डिटेल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना IFSC कोड देना होगा और उसके बाद बैंक ब्रांच नेम देना होगा, ब्रांच का जो भी आपका नाम है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर अपना पेटीएम नंबर भी आप दे सकते हैं। और ये देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पर पे आउट रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो हम पे आउट रिक्वेस्ट में जाएंगे, ये पे आउट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे और जैसे कि अभी मेरे 404 रुपये हैं उस वॉलेट में, तो यहाँ पर 2 वॉलेट दिए हुए हैं। आपका डेली टास्क बैलेंस जो दिया हुआ है, जो कि आपका एड इनकम जो इतना भी आएगा वो डेली टास्क में आएगा, और रेफरल इनकम का अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हैं तो आपको रेफरल इनकम पर क्लिक करना होगा। तो क्योंकि हमें अभी ये रेफरल इनकम चाहिए तो यहाँ पर रेफरल इनकम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मेरा 404 रुपीज़ है तो यहाँ पर मैं केवल 400 रुपीज़ का ही अपना पे आउट रिक्वेस्ट लगा पाऊँगा। तो यहाँ पर आप अपना 400 रुपीज़ जो भी आपका वॉलेट में है उतना अमाउंट यहाँ पर डालेंगे 100 के मल्टीपल में और उसके बाद रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट दिया हुआ है, रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पे आउट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। तो जो मैंने अभी यहाँ पर 400 रुपीज़ का जो पे आउट लगाया है, रिक्वेस्ट लगाई है, वो लग चुकी है। और नीचे आप देखेंगे तो 400 रुपीज़ यहाँ पर देखिए कि डिटेल भी आ गई है और अभी ये पेंडिंग में शो कर रहा है। तो 400 रुपीज़ का मैं यहाँ पर विड्रॉल लगा चुका हूँ। दोस्तों, आप देर ना करें, अगर आपका 100 रुपीज़ प्लस हो चुका है तो आप यहाँ पर अपना पे आउट रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इजी क्लिक्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसका रेफर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।